देखिए, सबसे पहले तो आप सारा जो मीडिया प्रेजेंस आया हुआ है, आप सबको मेरा दिल से स्वागत है। एक्चुअली यहाँ आज आने का कारण ये है, आप सब जनता है और जितना जो औरत है और जितना अरुणाचल का जो जानता लोग बिता हुआ है, सब मालूम है कि उस दिन एक आदमी उसका तेजी गांव को थका बोल के इन्होंने प्रेस में आता है। तो इनका कहना है कि 25 डेट को टेनिस कोर्ट में सारा अरुणाचल का जनता को आप टेनिस कोर्ट पर आ जाइए। उसमें मैडम शीतल और इनका जो पास में सबूत है, यानी कि मैडम तको शीतल मैडम जो उसका खिलाफ जो खराब सुन है बोल के ना, इनका पास में सबूत है बोला है। तो सबूत को, एविडेंस को यहाँ में सारा जनता का सामने में इन्होंने पेश करेगा बोल रहा था। तो ये चीज़ को आज इसलिए जितना जनता हम लोग यहाँ, जैसे हम एक यूथ है, एक यंग लड़का है, क्यों आया बोले सच को यहाँ देखने आया है। सच उच में अगर तको शीतल मैडम का पास में हो पोलिटिकल मोटिव है या उसका पीछे में कोई अपोजिशन पार्टी है, तो अगर ऐसे कामों का पास एविडेंस है तो आप आइए, शो ऑफ कीजिए आपका एविडेंस को, हम लोग देखिएगा। इसके लिए आया है तो सर, वो अभी तक जो आप जो आपने बोला कि एनोनिमस जो तेजी कामबो तारा है, वो अब तक यहाँ पर फिलहाल स्थिति नहीं है, क्योंकि उन लोग ने प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ में दिखा दिखा कर बोला था कि हमारे साथ प्रॉपर डॉक्यूमेंट है अगेंस्ट तको शीतल। तो सर, उसके बारे में आपका क्या राय है? अगर आपका पास एविडेंस है तो वही तो मैं पहले से बार बार बोल रहा हूँ, आपका पास एविडेंस है तो सारा जनता का सामने में टेनिस कोर्ट में आप शो कीजिए ना, क्योंकि आपने चैलेंज भी किया था जितना अरुणाचल का जनता को, आप टेनिस कोर्ट में आ जाइए शीतल का खिलाफ जो खराब सन चार्जेस है, मेरा पास एविडेंस है, गांबो सर तो गांबो तो बोल रहा था ना, आप आइए शो कीजिए, सारा जनता देखिएगा सच और झूठ का फैसला हो जाएगा। मेरा शायद तो ऐसे नहीं होता, उसका पास एविडेंस होता तो कब का आना था, सुबह 8 बजे से लेके अभी 11 बजने वाला है, सारा औरत यहाँ पड़ा हुआ है, अपना दुकानदार को छोड़ के, अपना सब्जी मीट बिक्री करने वाला सब छोड़ के यहाँ आज आके बैठा हुआ है, क्योंकि गांबो के लिए आया हुआ है ना, आप सही को पेश करेगा बोला है। तो आप कहाँ है, आप चुप क्यों गए? अगर आप एक लड़का है, एक मर्द है, आप किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी का वो है, तो आप आ जाइए, क्यों झूठ बोलता है? सच को पेश करने में आपको क्या दिक्कत है? तो सर, आपने बोला कि बहुत सारे महिला और जो मेल है यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो सर अभी तक बहुत सारे युवा जो आंटी लोग हैं अभी तक पूरा फुलफिल नहीं हुआ, अभी तक नहीं है, तो सर आपको क्या मैसेज रहेगा उनको सभी आने के लिए यहाँ? देखिए, मेरा हिसाब से तो आज का दिन तो बारिश भी हुआ है और प्लस खास करके हमारा जो नाहरलगन से जो औरत टीम है, आने वायदों का जो नाहरलगन में मार्केट है ना, तो इनको मेरा हिसाब से आज सुबह गया साजिश किया गया या कोई जानबूझ के किया गया उनका मार्केट को, नाहरलगन मार्केट को जलाने का रीजन से भी कुछ मतलब आने नहीं पाया है। मेरा हिसाब से तो ये 99% साजिश किया गया, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट में सारा दुनिया और सारा अरुणाचल मालूम है कि आज टेनिस कोर्ट में सारा औरत लोग इकट्ठा होगा बोल के मालूम था, तो जानबूझ के माइंड डाइवर्स करने के लिए इन्होंने कोई किया गया या साजिश है या कोई इनका चमचागिरी जो गवर्नमेंट का जो चमचागिरी करता है इन लोग किया गया, ये तो 99% कंफर्म है। अब किसी को भी पूछ लो, अगर दिवाली में अबहार दिवाली से जला है, बोम से पुत के आग लगा है, तो कल रात से लेके 11-10 बजे तक तो आग लगना चाहिए, तो आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 5 AM को आग जला क्यों गया मार्केट को, वो भी जानबूझ के, और खास करके हमारा एक ये क्या बोलता है मेरा एक ये हुक्म भी है कि जो नाहरलगन का पुलिस स्टेशन और उनका बगल में जो फायर ब्रिगेड बिता हुआ है, इनसे हमारा एक सीधा सा सवाल है कि नाहरलगन मार्केट मेन मार्केट दिल्ली मार्केट जो आपका यहाँ से 2 कदम का आगे में है, एक ही रास्ता तो है ना, हुआ में रास्ता का अगल बगल में एक साइड में आप है, एक साइड में मार्केट है, तो उसमें पागल बकेट आप बेता हुआ है, तो उसमें अगर हाँ आग जला है भी, तो एक घर जलते समय, एक दुकान जलते समय आप वहाँ में जाके आप वहाँ निकालने का जो बोले आपका पागल बकेट का वहाँ स्टेशन से आप पानी मांगने से निपना था, तो आप जानबूझ के मेरा हिसाब से ये तो बोल रहे हैं, ये साजिश है, आप जानबूझ के देख के भी नहीं देखा, जैसे आप जानते हुए अनजान बन क्यों बना है, उसका वजह से आज जितना जो यहाँ लोग आना चाहिए तो हो नहीं आ पाया है, क्योंकि कोई कोई लोग बहुत आने के लिए नाहरलगन में भी बहुत जानता है, आने वालों खास करके यंग लोग है, आने के लिए कोशिश किया लेकिन आने नहीं दिया, क्योंकि बेचारा वहाँ में उनका प्रॉपर्टी आज इतना डैमेज हो गया, तो उसका इसलिए उसका पाकिस्तान में नहीं आ पाया है, वो बारिश भी हो रहा है। तो सर, आपको लगता है कि साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर जुटे हुए हैं और मिले हुए हैं इस गेम में, आपका मतलब? हो सकता है शायद आज का जो नाहरलगन मार्केट आग जो फायर एक्सीडेंट में दिखा जाने से, तो हो सकता है वो तो कंफर्म है, वही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर आप क्या आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि मतलब एक ये पर्टिकुलर आदमी ने, पर्टिकुलर अपोजिशन आदमी ने ऐसा मतलब किया है, मतलब आपको क्या विचार है? अपोजिशन नहीं होगा, रूलिंग लोग ही होगा, क्योंकि अभी जो औरत पार्टी आने वाले लोग लगा गए तो करप्शन का खिलाफ, करप्शन अभी प्रेजेंट कौन है, हु इज प्रेजेंट CM ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका ऊपर में जाता है सब कुछ, है कि नहीं? अपोजिशन तो कोई ऐसा करेगा ही नहीं,
क्योंकि जितना गरीब जितना जो आम जनता है आने वालों को तो सब शीतल के लिए साथ देगा, क्योंकि शीतल एक सच्चाई औरत है। शीतल जो कर रहा है शीतल अपना बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, वो सारा जनता सारा प्रदेश के लिए कर रहा है, सारा देश के लिए कर रहा है, ताकि काल को आने वाला जो युवा जो न्यू जनरेशन आने वाला जो लोग के लिए कर रहे हो वो उसका कोई इंडिविजुअल काम नहीं कर रहे हो। तो सर लास्टली आपको जो पुलिस प्रशासन इतने सामने मौजूद थे वो आग लगते हुए, तो सर अब उनको क्या मैसेज और अपील करना चाहते हैं पुलिस प्रशासन? मेरा हिसाब से तो जो पुलिस डिपार्टमेंट को कास करके और फायर वकील को, क्योंकि आपका ड्यूटी होता है आप खुद निभाने, आप कास करके जनता सेवा के लिए आप बैठा हुआ है, आप गवर्नमेंट सेवा के लिए नहीं बैठा है, क्योंकि जनता है तो जनता के लिए आप जनता को सेवा नहीं करेगा आप किसको सेवा करेगा? जो भी बड़ा बड़ा खुशी में बैठा हुआ है वो आज रहेगा कल नहीं रहेगा, वो किसी बाप का खुशी नहीं है, जनता हमेशा रहेगा। जनता चाहे खुशी को गिरा सकता है, जनता चाहे बिता भी सकता है, तो पुलिस ये चीज़ को जानना चाहिए। पुलिस का करके खास करके पुलिस का मोटो होता है कि पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट होता पब्लिक को सर्व करो ना, क्यों किसी के लिए आप सर्व कर रहे हैं? आप जिसको सर्व कर रहे हैं वो आज आपको आपका साथ हो सकता है लेकिन काल नहीं रहेगा, लेकिन जनता आपका लाइफ टाइम फ्यूचर तक आपका रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग यहाँ में तिची गांबो सो कॉल मैन ने बुलाया है, इसलिए आया है। तिची गांबो सर, यू आर हेडलेस चिकन, यू आर मेंटल क्रैक, यू आर मीनिंगलेस यूजलेस, ओके, यू डोंट टेक शीतल मैम नेम, और तुम बाहर में जाओ, और तुम अभी तुमको तुम्हें अभी आप नहीं बोलेगा क्योंकि आप बोलने का ये शब्द ये कोई तुमसे ऐसे शोभा नहीं देते। तुम यहाँ हम लोग को आओ बोला है, हु आर यू? यू आर सी एम, आर यू आर सी एम? मैं आपको सवाल पूछता हूँ, हु आर यू? मीडिया में बार बार आके ये सब मालूम को किस लिए, पब्लिक लोग को किस लिए बुलाया है? पब्लिक आपका क्या, बाप का आपका बाप का कुछ है क्या पब्लिक जो? सो मैन लिसन केयरफुली, आप जो बाहर में जाओ और यहाँ में आके पब्लिक को बार बार मत बोलो कि मीन्स यहाँ आओ नंगा करेगा, हो हम आए तो हम तो ऑलरेडी ऐसे सलवार पहन के आया है, आप हमको नंगा करेगा क्या? हम यहाँ में इंतजार करके आया है, कहाँ है आप? और आप सबको मारेगा बोला है ना, वेयर आर यू? अभी क्यों छुप के बैठा हुआ है? और शीतल मैम का नाम प्लीज़ आपका मुख से मत लो, गंदा मुख से, क्योंकि शीतल मैम का नाखून का आप बराबर भी नहीं है, ओके? एंड पब्लिक को आप जो ऐसे सफाई देना जरूरी नहीं है, मैम ऐसे 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 ब्ला ब्ला लो वट एवर, जरूरी नहीं है, हम पब्लिक सब मालूम है, और जितना पब्लिक हमको देख रहा है, आप लोग तेसी गांबो का बाद में बिल्कुल मत आओ, ओ मैम सॉरी, ओ ये इंसान जो डरपोक इंसान है, ऐसे इंसान को ये लगता है देशद्रोही है, वो लोग जीने की लायक नहीं है, आओ बोलते हैं मैदान में और कुछ भाग जाते हैं, ऐसा कोई होता है, ऐसा बात नहीं बनता है। तो तेसी गांबो सर प्लीज़ ऐसे और दोबारा मत बोलो तुम जो, इसके बाद आप जो ये मीडिया में मिनट मिनट में आके कौन सा मीडिया उसको ये न्यूज़ चैनल बनाते हैं, ऐसे मीडिया लोग भी मत बना दो ना ऐसे इंसान को, और लोग समाज का लिए हानिकारक है ना। तो आप शीतल मैम को टोटली मेंटल प्रेशर दे रहे हैं ना आप जो, तो ऐसे और न्यूज़ मत बनाओ, और शर्म नहीं है लड़की जैसे हिजरा बन के घर में क्यों छुप के बैठा हुआ है, हम सब टाइम को क्यों वेस्ट कर रहे हैं? तो आप जो बाहर में चला जाओ एंड थैंक यू, और दोबारा मीडिया में मत आओ ना। और सब पब्लिक को मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ में सब आए हैं, वो तची गांबो का दूध पानी का पानी नंगा पंगा मरा मारी को यहाँ में हम लोग देखने आए हैं, लेकिन मालिक जो नहीं आया है ना, मालिक अभी घर में छुप के कौन सा दुनिया में रह रहे हैं, और फिर बाद में मीडिया में एक मिनट में फिर बनाएगा होगा तो कोशितल ऐसे 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 ब्ला ब्ला सो कॉलमैन ऐसे बनाएगा होगा, और दोबारा उसका वीडियो को शेयर भी मत करो, लाइक भी मत, ऐसे इंसान को जवाब भी नहीं देना है ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं तो मेरा नाम है क्योदया जी, हमको तो सब कभी कभार दिखाई देता होगा, तो मैं आज ही एक माँ का नाते एक हमारा स्टेट में हम लोग रहता है, एक माँ और एक दीदी का नाते, एक समाज में रहने वाला नाते, हम थोड़ा एक दो शब्द रखेगा। तो आपका चैनल का माध्यम से मैं एक थोड़ा सा संदेशा भेजना चाहूँगा। तो आजकल देखा जाए तो एक्चुअली हम बोलने में अरुणाचल करप्शन का सही है ना गलत है, हम लोग इतना तो मालूम भी नहीं है ना, लेकिन हम एक आदमी जो मतलब मेरा एक अभी सूचना देना चाहने वाला जो मेरा ये हमारा स्टेट में एक आदमी आप देख रहा होगा, यानी कि दो नंबर फिल्म का एक्शन को कर रहा है एक आदमी हमारा समाज में यहाँ रह के हमारा दो नंबर वन का जैसे, वो तो एक फिल्म है ना, यहाँ में वो एक यहाँ में गैंग बना के यहाँ में दिखा दिखी एक गैंग बना के घूम रहा है, यानी कि कुत्ता लोग को हरदी फेंक दिया है, हरदी चबा चबा के एक दो
ग्रुप बना के घूम रहा है। अगर ऐसा घूमने वाला आदमी को हमारा समाज में रह के, अरे हमारा ये हमारा भाई बहन आपसु कहाँ चला गया, आंसू कहाँ चला गया आज का दिन में। वो दो नंबर वन फिल्म का एक्टर जैसा वो कर रहे थे ना, एकदम मन दादागिरी करके हमारा महिला को यहाँ में दुलाई उलाई मारने के लिए, तेनस कुत में पिताई उताई करने के लिए आज नंगा उंगा करेगा बोल के ना, गंदा लैंग्वेज यूज करके घूम रहा है बोला है सोशल मीडिया में। इसलिए आज हम देखा जाए तो वो लोग नहीं आया है तो कैसे नंगा करता है। हम बोला है आप लोग जब वो जिस आदमी ने नंगा करेगा बोलने वाला वो जब आएगा तब हम लोग सब जितना महिला है हम लोग आना चाहेगा। आज वो जिस आदमी को हम लोग पंगा लेना चाहता है वो आ रहा ही नहीं, हमारा महिला इधर आके इतना तकलीफ ऐसा मौसम में क्या करके बैठेगा ना। तो हम बोलाए सबको आने का ज़रूरी नहीं है, आज हम अकेला जा लेगा बोलाए तो कोई मानता ही नहीं, एक दो महिला आके बैठा हुआ है हम खुद ये करेगा। हमारा ब्रीफिंग जो ऐसा है माने मेरा बात जो मतलब हमारा समाज में एक दो रुपया जरूरत से ज़्यादा जरूरी बला लोग ना, एज एक अपातने भाई लोग से, एज एक गलो भाई बहन लोग से, या माँ अने अबू लोग से, या कुछ एक तगिन लोग से, या कहीं अलग तरफ से जो जरूरी है। हमारा ये प्रदेश में दो तीन नौजवान हम लोग का जितना पढ़ाई लिखाई करके रखने वाला पैसा जरूरी वाला या कुछ सर्विस नहीं वाला लोन लेके कुछ हम लोग का बिजनेस में इस्टेब्लिश करने के लिए उधर उधर करने से भी ना, वो आदमी लोग ऐसे विश्वासघात करने से देगा ही नहीं सोच के ना। तो वही हम हमारा एक्चुअली बोलने में हम इतना पॉलिटिक्स का मोटिवेट हमको ये नहीं है, हम इतना उसको ये नहीं करता है। वो पर्सनल लोन को ना वो जिस आदमी से वो लोन लिया है वो आदमी को भी हम पहचानता भी नहीं है, तो को शीतल सिर्फ नाम सुनता है आज तक हम नहीं देखा है। हम सुनाई दे रहे तो पुमचो तपुक बोलने वाला जो ओ ये दो नंबर वन का एक्टर जो हमको ताना में भी कंप्लेन उम्प्लेन देके घूम रहा है बोला है ठीक है आप ताना में कंप्लेन करके घूमो, जहाँ ताना में कहीं में घूमो मेरा पास लेटर आएगा बोलता है, होगा हम भी ओके रेडी है नो ये करके हमको कंप्लेन करो या जो करो उसका हम अपना राइट को हम आके ये करेगा। हम उसमें भी हम देखा जाएगा पुलिस हम हमारा ऊपर में क्या एक्शन लेता है, इतना करप्शन अगेंस्ट करने वाला को अरेस्ट नहीं करता है, हम लोग का जैसे वाला को अरेस्ट करता है तो कोई बात नहीं है। तो हम लोग चोर करके धकाइत करके या कुछ गलत करके हम लोग उधर में सेंट्रल जेल में या थाना में घुसने से वो अलग बात है। हमारा अपना समाज में इतना दिन दारा पिस्तौल बुक के घूम रहा है, दिन दारा उधर ताना में ये करके गुंडागर्दी करके घूम रहा है, उसको उल्टा अरेस्ट नहीं करके हम लोग का जैसे बुरी को अरेस्ट करेगा तो चलो कोई बात नहीं अरेस्ट करने दो, अभी कंप्लेन करके घूम रहा है बोला है करने दो। तो मेरा शीतल का नाम को हम किस वजह से लिया है? अच्छा करप्शन को आप खुद पहुँचो तपक तुम आपका नाम ही हम लोग लेने मन नहीं होता है। आप करप्शन को कैसा करके वो ये करेगा उसको गिराएगा सीएम को ना, कैसा करके गिराएगा कैसा करेगा, पॉलिटिक्स आप ही खेलता है और ये डिमांड आप ही लेता है। और ये इसलिए हम हमारा गवर्नमेंट को भी हम बोल रहे हैं तो इतना सब एमएलए जो आपका पास में है आप किस बात से डर के वो आदमी को बीच में उसको लेके आ रहे हैं ना, वो ये कुत्ता वो खुजली वाला को क्यों बीच में लेके घूमता है, वो ये पुमचो तपक को कुत्ता खुजली को लेके नहीं आना है आपका पास में। आप करप्शन नहीं तो वहाँ में सी बी आई दिमन के है तो ई डी आई दिमन के है तो आके सिर्फ ये करने दो जांच करने दो, उसमें आपका कुछ करप्शन नहीं है तो जीरो टॉलरेंस तो है तो कोई बात नहीं, उसको सी बी आई लोग जांच करके अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं वो लोग को चला जाने दो ना। तो इतना विधायक एम एल ए लोग को 16 एम एल ए लोग आपका पास में आप धरने का क्या दौर करें गवर्नमेंट भी ना। आज का दिन में हम बार बार हमारा भाई बहन को हमारा समाज में रहने वाला लोग को सब एजुकेशन वाला भाई लोग को हम लोग बोल रहे हैं आज इतना तक यहाँ में करप्शन चलने दे रखे, ऐसे गुंडागर्दी दादागिरी करके दो नंबर वन फिल्म जैसे ऐसे करके घूमने दे रहे तो क्यों ये हमारा ये लोग आंसू आपसू लोग नहीं देख रहे, उसको क्यों पकड़ के क्वेश्चन नहीं कर रहा है वो आदमी को, हाँ उसको क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग किसी का ये नहीं है मोटिविटी में पॉलिटिक्स का मोटिविटी में हम इतना बात करना नहीं चाहता है। तो यहाँ में हम उस दिन भी ब्रीफिंग में भी बोला है तो यहाँ में पेमा कंडू को चेयर को हटा के कौन बेचना चाह रहा है उसको भी दिखा दीजिए,
ना वो करने जा रहे हैं बोल के इनको दिखा दीजिए, इसको भी दिखाओ नो खुद करप्शन करके एकदम करप्शन का बाप जो ओ जो दो नंबर वन जैसे चूल उल नहीं होके ना पालतू कुत्ता लोग थोड़ा घूम रहे ना वो लोग ही करप्शन बाप है। एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ में करप्शन वो ही है, पैसा वो डिमांड करता है और आदमी को वही पंगा लेके घूमता है, वही ये करके देता है। इतना ऐसा वाला आदमी को हमारा भाई बहन आज का एजुकेशन दिन कहाँ गया? आदमी लोग इतना चौथा आदमी को इतना तक करके घूमने दे रहे, हीरोगिरी घूमने दे रहे, और क्यों वो लोग को पकड़ के हमारा अब जो अंशु लोग पूछताछ नहीं करता है? तो जितना पॉलिटिक्स मोटिवेटी वही कर रहे ना, हमारा इतना ही है। दूसरा का पैसा आप लोन में लिए उसको रिटर्न कर दो ना, यहाँ में पॉलिटिक्स में मत लाओ बोल के। आज का दिन में करप्शन नहीं है तो जीरो टॉलरेंस से बोलते हैं, तो EDM और ये CBI लोग को भेज के आने दो, हम लोग सोचते हैं आने दो और उसका बाद आके इधर जांच करने दो। तो जीरो टॉलरेंस है बोलता है, फिर डर के वहाँ आदमी लगा लगा के ऐसे करने देता है, ऐसा करने मत दो। एक्चुअली हम गवर्नमेंट खराब है, गवर्नमेंट का साथ हम गवर्नमेंट का खिलाफ भी बोलने भी मन नहीं होता है। हमको ये पुमचो तपुक को सही नहीं लगा है, कोई दो नंबर वन का एक्तुर जैसे करके घूम रहा है, इसलिए हम सही नहीं लगा है, इसलिए हम तेनसकुत में आए। आप कौन होता है हमारा महिला को नंगा करके पीटेगा बोलने में? हिम्मत है आप आदमी जमा करके रखा है, ये पीटने वाला वो महिला का माँ पिताजी नहीं है, भाई भैया नहीं है, उसका टाइटल नहीं है क्या? उसका ये समाज में उसका कोई नहीं है क्या? तो आओ और कुछ दिन और देखेगा, उसका बाद आके ये करेगा। हम लोग भी जितना गतन कर सकेगा, आज हम सिंगल आके बात करेगा बोल के, हम अभी ताना जाएगा थोड़ा बात में, हम ताना में भी जाके देखने जाएगा, मेरा अगेंस्ट में कंप्लेंट दिया है बोलते हैं। क्या कंप्लेंट दिया देखता है? उसे तो हमारा कितना लेना देना है हमारा, उसको हम 2002 को खत्म होने देके 2003 में हम हिसाब करेगा बोल के हम ऑलरेडी बोल के रखा हुआ है वो आदमी को। और इसलिए हम आज बोलने के लिए आया है दो सब, और आज वो लोग आएगा बोला है, इसलिए हम लोग आगे देख लेगा उसका बात। हम लोग गैदरिंग करके सब लोग इधर आएगा सोचा था, वो जिस आदमी को हम लोग लड़ने के लिए आए वो आदमी आया नहीं तो हम लोग इतना तकलीफ करा नहीं करेगा, मेरा इतना ही सिर्फ रखेगा। और उसका बाद लेकिन हमारा आंसू आप चुको ये जल्दी से जल्दी एक्शन लो, और ये आदमी को पमचो थपक को जल्दी एक्शन लेके आप लोग भी कुछ उसको क्वेश्चन करो, आप लोग मीडिया लोग भी जाके इनका घर तक क्वेश्चन करो, हम इतना ही है पैसा दे दो बल्कि अपना। जैसे कि मैडम यहाँ पर कई महिला यहाँ पर शामिल है, यहाँ पर और भी होना चाहिए था, बट नाहरलगन में तकरीबन 3 बजे फायर इंसिडेंट ऐसा हुआ सुनने को आया और आप लोग सभी देख रहे होंगे। तो मैडम पुलिस प्रशासन ओनली एक कदम से दूर के बीच में है, तो वहाँ पर दिवाली के वक्त में पानी टैंकी में भी पानी नहीं है, मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब किस तरह का ये चल रहा है? इसको तो एक्सीडेंट चीज़ को तो हम ये ऐसे इसका कारण से हुआ है, इसका कारण से हुआ है ऐसा बोल तो नहीं सकेगा। आज महिला भी थोड़ा उस वहाँ का रिलेशन, यहाँ में जितना हम लोग महिला दुख तकलीफ लोग पूरा वहाँ शामिल हो रहे हैं तो इधर भी ज़्यादा है, लेकिन इधर में दोनों आने से हम लोग कुछ ये सवाल जवाब करता था, वो दोनों नहीं आया है। और उसका बाद वो आग जलने वाला मोटिवित तो वो अलग हो गया, उसमें एक्सीडेंट तो सडनली हो जाता है ना, तो शायद लेकिन हम भी मेरा दिल से हम सोच रहा है सामने में पुलिस का ताना है, पुलिस का चौकी है, वहाँ में टैंकर में पानी नहीं है बोलने वाला, वो तो मुझे भी बहुत मतलब आश्चर्य लगता है। ये कुछ मतलब उसको पब्लिक लोग कुछ जाँच कीजिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर इससे सामने में जल रहा है पोर्ट 4 बजे से जल रहा है बोले हम पंचायत 7:30 तक, तब तक आग जल रहा था, तब तक पानी भी नहीं आया था, वो हम लोग सोचने वाला बात हो गया। लेकिन उसको जहाँ में ये हमारा ट्रका चौंसार जी आके भी वहाँ में कोई बोल रहा था, मीडिया ब्रीफिंग कर रहा था, तो इसलिए हम लोग उसको एक्सीडेंट को सडनली होता है उसको तो हम मेरा तरफ से कुछ बोल नहीं पाएगा। तो मैडम लास्टली आपको आपने कहा थोड़ा पहले कि आंसू एंड आपसू, तो उनको मतलब एक आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन के तरफ से आप एक मैसेज दे दीजिए। तो हम तो मेरा ये आपसू अंशु का भाई लोग को ना मैं यही सोचना चाहेगा अन्या लोग को, ये हमारा थोड़ा सा यहाँ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम लोग का माँ पिताजी लोग का
भाई बहन लोग का, हम लोग का प्रदेश का दिल का सपोर्ट जो वो लोग है तो ना, कुछ भी होने से वो लोग हम लोग को गाइड करेगा सोचता है, हम लोग गाइडलाइन में रहता है, हम लोग को गाइड करेगा सोचता है। लेकिन आज का दिन में वो लोग तो जल्द से जितना जल्दी हो सकेगा, ये अभी थोड़ा गुंडागर्दी चल रहा है या थाना में ये ग्रुप ग्रुप बना के उसको ये करेगा वो करेगा बोल के घूम रहा है तो ना, और आप खुद ही भी दिनदारा दिखाई दे रहा है तो ना, मीडिया ब्रीफिंग करेगा थाना को उसका, यानी कि कुछ भी नहीं सोच के, गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं सोच के, जैसे वाला मेरा है ऐसा टाइप का ये गुंडागर्दी करके घूम रहा है, उसको थोड़ा हमारा अंशु और अपशु जल्दी उसको थोड़ा देखभाल करके और हम लोग को और थोड़ा साथ दीजिए हमारा महिला को। आज का दिन में देखिए हमारा महिला को नंगा करेगा बोलता है तो वो सुरक्षा नहीं है तो ना, तो हमारा प्रदेश में अभी सुरक्षा नहीं है, तो इसलिए हमारा अंशु अपशु वो आदमी को जल्दी से जल्द एक्शन लेके और उसका पर्सनल लोन को भी देने दिया जाएगा और उसको बात कर दो और उसका बात में आप लोग जल्दी से जल्द वो आदमी को भी जाके क्वेश्चन करो किस वजह से आप नंगा करना चाहते हैं ना, इनको जाके जिस आदमी का मुख से निकला है उस आदमी को पूछिए। हम लोग किस लिए सपोर्ट कर रहे हैं बोलने से AAC को, AAC तो शीतल मैदम और तम तोबिंग का करने वाला वो सही ढंग में कर रहे हैं तो ना, वही पहले हम लोग का यहाँ का जितना जनता लोग पहले नहीं जानता था, वही करने का वजह से हम लोग भी अभी जग गया ना, हम लोग का जितना ये गरीब लोग, हम लोग का जितना महिला लोग, हम लोग जग गया, जो नहीं जानने वाला लोग जान गया, इसलिए वो शीतल मैदम और तम तोबिंग का AAC का ग्रुप लोग का करने वाला वो सही ढंग कर रहा है, उसको जो अच्छा नहीं है बल्कि अभी क्या 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 नाना रकम का बात निकल रहा है वो तो ये है गलत है। तो मैडम एक व्यक्ति था जिसका नाम तेचे गांबो तारा था, वो दो तीन बार बहुत बार मीडिया में आके ब्रीफिंग दे चुका था, इवन AAC टीम को चैलेंज कर रहा था कि यहाँ पर टेनिस कोर्ट में आ जाओ बोल के, तो उसका भी आप क्या कहना चाहते हो? उसको हम लोग तेचे गांबो तारा को हम पहले भी बोला था, अभी भी सुबह भी बोला है, फिर अभी भी बोल रहा है, तीन बार हो गया ना। तेचे गांबो तारा हम लोग को ये महीना ये आज का डेट में हम लोग को यहाँ में जितना AAC सपोर्ट करने वाला आओ, हम लोग का नंगा करेगा कुछ करेगा बोले, इसलिए हम लोग भी अपना हिम्मत को हम लोग भी दिखाने के लिए आया है। वो जो ऐसे बोलने के बाद दुनिया भर का उधर और लोग पड़ा हुआ है, इतना जगह जगह से और लोग आके बैठा, वो आज कहाँ में है गांबो सर? अब हुआ है तो अच्छा से ये मीडिया में हम लोग बात कर रहे हैं, देखो नो आना है हम लोग का पास में ये करना है, आपका जो अपना वादा को नो निभाना है, आज का डेट में आएगा बोल के आप किस लिए चुपके बैठ रहा है? आप लड़का है तो अपना फैमिली चलाता है तो किस लिए झूठ मरता है, किस लिए आज आएगा बोल के क्यों नहीं आया है? हम लोग अपना कीमती समय को छोड़ के आया है, अपना सब्जी बिक्री करने वाला को छोड़ के आया है, मीट बिक्री करने वाला छोड़ के आया है, अपना काम को छोड़ के आके आप जो करेगा बोलने वाला, इसलिए हम लोग यहाँ में सही जितना औरत है हम लोग का यहाँ में आया हुआ है, आप जो बोले AAC को सपोर्ट करने वाला को नंगा करेगा कुछ करेगा बोले, इसलिए हम लोग यहाँ में आया है, क्या नंगा सही का करेगा ना क्या करेगा ना, आपसे हम लोग क्या दार बाकी है, हम लोग जो सच्चाई करने वाला को हम लोग सच्चाई में हम लोग साथ देना ही हम लोग का पर्स बनता है। जैसे कि मैडम जो तेचे गांबो तारा ने ब्रीफिंग में कहा था कि उसके साथ फुल एविडेंस है, वो आके यहाँ पर स्थापित करेगा, सबको दिखाया जाएगा बोल के, तो मैडम अब तक वो आया गया नहीं है, मतलब आपके विचार से मतलब क्या हो रहा है? मतलब अभी तो वही तो हम अभी बोला था तो वो गांबो तारा डॉक्यूमेंट का साथ में हम लोग को सबूत को दिखाना पड़ेगा ना, हम लोग तो पढ़ा लिखा नहीं होने से भी हम लोग का पीछे में तो पढ़ा लिखा वाला दुनिया भर का है वो देखेगा, हम लोग तो पढ़ा लिखा तो नहीं है, हम लोग अन एजुकेशन है, वही है गांबो तारा सर आने से हम लोग के लिए अच्छा है, इतना हम लोग सुबह कितना 8 बजे से लेके अभी कितना 11 बजे रहे वो क्यों नहीं आया है, अपना सबूत का साथ में लेके आना है, सबूत डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए हम लोग को लेके आना है, दिखाने के लिए यहाँ में आना है।